ठीक है, हमने जो चीज़ें मेन कवर की हैं अभी तक अपने इस SEO के लेक्चर्स में, पहली चीज़ जो हमने सबसे पहले देखी थी व्हाट इज़ SEO, दूसरी चीज़ हमने देखी हाउ इंजन वर्क, क्रॉलर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमने कीवर्ड के बारे में पढ़ा, कीवर्ड्स की टाइप देखी और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, यही टाइप थी या कोई और टाइप भी थी। हमने कुछ SEO की कॉन्सेप्ट्स पढ़े, कॉन्सेप्ट्स में हमने पावर वर्ड्स का पढ़ा, उसके अलावा हमने USP के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने कैनिबलाइजेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो हमने कीवर्ड रिसर्च के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने टूल सीखे, कीवर्ड प्लानर और गूगल सजेस्ट, और keywords.io, कीवर्ड टूल से शायद, ठीक है, कीवर्ड tool.io, उसके बाद हमने एक पढ़ा था KW फाइंडर, पढ़ा था याद है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जिन कॉन्सेप्ट्स की, जिन चीज़ों की जो हमने पढ़ा, कीवर्ड की क्लासिफिकेशन, हमने SEO की क्लासिफिकेशन देखी, जिसमें हमने ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO किया, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, कौन बताएगा, पेज एनाटॉमी पढ़ी है हमने, ये चीज़ें पढ़ी हैं हमने, कुछ और चीज़ें शायद इसमें मैंने जो पढ़ाई हो शायद मेरे माइंड में ना हो कॉन्सेप्ट, मैंने भी जो चीज़ें मुझे याद थी मैंने यहाँ पे लिख दी आप लोगों के लिए। तो बेसिकली हमने ये वो चीज़ें हैं जो अभी तक हमने कवर की, क्या, हाँ जी, अच्छा सर, इसके बारे में पढ़ा हमने। जो एक और चीज़ आप लोगों को मैं पार्ट वो SEO का है भी और नहीं भी है आप लोगों को सिखा चुका हूँ, उसमें हमने हाउ टू सबमिट योर वेबसाइट, सॉरी हाउ टू सेटअप गूगल एनालिटिक्स, ये आपको बहुत सारी चीज़ें SEO के बारे में बताता है, आपकी ऑडियंस किस तरह की है, आप लोग किन किन वर्ड्स पर ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल रही होती हैं। तो इसका ताल्लुक बहुत चीज़ें इस आप SEO की इससे भी देख रहे होते हो, ठीक है, और हमने ठीक है अभी तक शायद हमने यही पढ़ा। तो ये वो चीज़ें जो आप लोगों के जहन में होनी चाहिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम आपको बार बार या बहुत बार आपको बताई जाएँ चीज़ें ये, क्योंकि हमारा सेशन भी क्लोजिंग पे है और साथ साथ आप लोगों का हैकाथॉन की तैयारी भी करवानी है। तो साहब हैकाथॉन कब से है, नेक्स्ट वीक में प्रिपरेशन है वो जो, हाँ ठीक है, हमें हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आई है कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों को प्रिपेयर किया जाएगा फॉर हैकाथॉन्स, तो आप लोग बिजनेस आइडियाज़ पे भी काम करना स्टार्ट कर दें, आप लोगों का जो बिजनेस आइडिया जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, और बाकी आपको उसके बारे में खुर्रम साहब आपको सही गाइड करेंगे। आई डोंट नो कि हमारी अभी प्लान 9 के साथ अफिलिएशन अभी भी है या नहीं है, खुर्रम साहब हमारी प्लान 9 के साथ अफिलिएशन अभी भी है, वो जो यहाँ से विनर होंगे जाएंगे उधर डिविजनल विनर, ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वही होगा कि आप लोगों का पहले यहाँ पे हैकाथॉन होगा,
जो यहाँ से विनर्स होंगे वो डिवीजनल लेवल पे कम्पीट करेंगे। हमारे डिवीजन में जो तीन सिटीज़ आते हैं, सियालकोट, गुजरात है बेसिकली, तो सियालकोट गुजरात की टीम्स भी यहाँ पे आएंगी या आप लोग वहाँ जाएंगे, तो वो कम्पीट करेंगे। जो यहाँ से विनर होगा वो प्लान नाइन में उसकी डायरेक्ट एंट्री है, वरना प्लान नाइन का जो बिजनेस सबमिशन प्रोसेस है वही इतना हैक्टिक है कि आप लोग हम लोग सब मैं मेरे समेत हम लोग दरमियान में हिम्मत हार जाते हैं, कहते हैं नहीं आज थोड़ा दफ़ा करो कि मैं इतना इतनी डिटेल इनको दूँ पहले बिजनेस आइडिया की। तो वो हैक्टिक प्रोसेस है, आप लोगों को वो हैक्टिक प्रोसेस को जैसे कहते हैं ना आप लोगों को वो बाईपास कर दिया जाएगा, तो वो प्रोसेस आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। आप लोग सिंपल जाएंगे वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे बिजनेस आइडिया उन्हें पिच, तो बिजनेस आइडियाज़ पे काम करना स्टार्ट कर दें। मेंटरिंग चाहिए तो मैं भी अवेलेबल हूँ, आपके बाकी ट्रेनर्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं बिजनेस आइडिया से रिलेटेड। ठीक जी, वो आप लोग अगर वो वाला कॉन्सेप्ट बात कर रहे हो ना, वो क्या था प्रोग्राम एक था जो बिजनेस आइडिया वाला प्रोग्राम आता था नियो पे, आइडिया करोड़ों का, अगर आप उसकी बात करें तो वो नहीं है, वो बेसिकली उन आइडिया करोड़ों का बेसिकली उन लोगों के लिए नहीं है कि जिन जिनका कोई बिजनेस चल नहीं रहा, बिजनेस चल नहीं रहा और वो लेके आ गए हैं। वो आइडिया करोड़ों का एस्टेब्लिश्ड बिजनेस के लिए होता है ज़्यादातर, कि उनके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होती है, आप लोगों के पास प्रोडक्ट नहीं होगी अभी फिलहाल। ठीक चलें, खैर हम अपनी एसईओ पे आते हैं आज। जो एक टूल आप लोगों को मैं बताना भूल गया, बड़ी अच्छा टूल है कीवर्ड से रिलेटेड। मैंने आप लोगों ने शायद मेरा ब्राउज़र देखा होगा और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब मैं चीज़ें सर्च कर रहा होता हूँ तो मेरी बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स मेरे सामने आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बाय मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान सर्च करता हूँ तो स्टेटिस्टिक्स बहुत सारे आ रहे होते हैं, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये आ रहा है, ठीक है, जैसे ये आ रहा है, उसके अलावा ये साइट पे आ रहे हैं, ठीक है। तो एक जो बहुत अच्छा टूल है जो मुझे बताना चाहिए था, मैं नहीं बताया अभी आप लोगों को मैंने, वो एक्सटेंशन है बेसिकली क्रोम की, उसको कहते हैं हम कीवर्ड एवरीवेयर, ठीक है। कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन है जो कि आप लोगों को कुछ स्टेटिस्टिक्स आप लोगों को बता देगा आपके कीवर्ड के बारे में, कि आपके कीवर्ड कितनी बार सर्च हो रहा है और क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। मैं आप लोगों को एक बार इसको करके दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ये जो स्टेटिस्टिक्स मेरे सामने ये शो हो रहे हैं कि 74,000 पर मंथ इसकी वॉली सर्च वॉल्यूम है मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान, ये आप लोग, और इसका CPC 0.11 है, कंपटीशन 0.06 है। तो ये वो स्टेटिस्टिक्स हैं जो आप लोगों को देखने के लिए गूगल एनालिटिक्स विजिट करना पड़ता था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को ये जो टूल है शायद इसी वजह से हो रही है, तो ये आप लोगों को वो कीवर्ड्स यहाँ पे शो करवा देगा जो कि मोस्ट पॉपुलर कीवर्ड्स हैं, लोग सर्च कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में देखें ओप्पो ओप्पो मोबाइल फोन, ओप्पो एक टाइम था क्यू मोबाइल बहुत ज़्यादा पॉपुलर था पाकिस्तान में, लोग क्यू मोबाइल सर्च करते थे, उसकी वजह क्या थी, एक्सेसिबिलिटी, हर बंदे की एक्सेसिबिलिटी। जितना स्मार्टफोन मार्केट को शायद पाकिस्तान में क्यों मोबाइल ने डैमेज किया है, या हम कहते हैं उसको एक्सपोजर दिया है, इतना शायद किसी मोबाइल और ने दिया हो। इससे पहले कौन कौन से मोबाइल फोन थे, सैमसंग था, नोकिया था, हवावे था, उसके बाद क्यों मोबाइल आया, क्यों मोबाइल ने हर बंदे के हाथ में कैमरे वाला मोबाइल पकड़ा दिया। नो मैटर हम उसके डिसएडवांटेजेस में नहीं जाएंगे, उसका क्या हमारी इकॉनमी पे या कंट्री पे इफेक्ट हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस हुई। क्यों मोबाइल आप लोगों को पता है बंद हो गया, बंद हो गया था दरमियान में, क्या क्यों चला गया, उसने उसने इनकार कर दिया था अपने आप को चेंज करने से, उन्होंने कहा हमने नहीं, हमने एंड्रॉयड पे जाना है, नहीं है कौन एंड्रॉयड, एंड्रॉयड की ऐसी की तैसी। तो जब एंड्रॉयड छाया तो फिर क्यों वो नोकिया फारिग हो गया, ख़त्म हो गया, फिर वो उसको एक्वायर कर लिया माइक्रोसॉफ्ट ने। अब माइक्रोसॉफ्ट उन्हीं मोबाइल्स में एंड्रॉयड का वर्जन भर के आप लोगों को सेल कर रहा है, तो इस वजह से। खैर कीवर्ड एवरीवेयर एक अच्छी एक्सटेंशन है, आप लोगों को नहीं जाना पड़ता, लेकिन आप इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है
अच्छा वो बतानी है मैंने, उसकी वजह ये है कि बेसिकली वो जो उसमें मटेरियल यूज़ करते थे, जो चिप्स यूज़ करते थे, सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, हार्डवेयर यूज़ करते थे, वो बेसिकली स्मगल्ड होता था। वो वहाँ से पैकिंग के मोबाइल के नाम पे कुछ और चीज़ें मंगवाते थे, वहाँ से कुछ चीज़ें मंगवाते थे, लेकिन उसके अंदर क्या होता था, मोबाइल का हार्डवेयर होता था, तो यहाँ पे लाके मोबाइल असेंबल करके सेल करते थे। स्मगल्ड माल, स्मगल्ड चीज़ें होती थी, फिर उन पर बहुत फाइन हुआ या कुछ और हुआ। आप आजकल कमर्शियल आ रहा है इसका, क्यों मोबाइल का नहीं आ रहा? तो क्यों मोबाइल बिल्कुल बैन हो गया था, बंद हो गया था, फिर शायद उन्होंने कोई ब्लैक में कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी फिर थोड़ा बहुत लॉन्च हुआ है। वरना आप लोगों को शायद याद हो कि मोबाइल का हर महीने में दो उसके सेल फोन आते थे, न्यू मॉडल्स। खैर चलें, कीबोर्ड एवरीवेयर इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव ऑफ कीबोर्ड प्लानर। इसके जो मेजर डिसएडवांटेज मैं आप लोगों को बता दूं, कीबोर्ड प्लानर में आप लोग कंट्री वाइज सर्च कर सकते हैं चीज़ें, यानी अगर किसी कीवर्ड की मुझे सर्च विद इन पाकिस्तान चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ, विद इन एक स्पेसिफिक प्रोवेंस चाहिए वो भी कर सकता हूँ, ऐसा ही था। यहाँ पे आप लोगों को ये जो रिजल्ट बता रहा होता है, ये ग्लोबल रिजल्ट बता रहा होता है, बेसिकली ग्लोबली पूरी दुनिया में कितना हो रहा है। हाँ, इसके कुछ लोग वो बताते हैं कि इसका किस तरह से आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, आप वहाँ पे कंट्री का नाम लगा दें, मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान, तो मैंने सर्च किया तो मोस्ट प्रोबेबली ये पाकिस्तान के रिजल्ट्स बता रहा होगा, या मोबाइल प्राइसेस इन लाहौर, तो ये मुझे स्पेसिफिकली लाहौर के रिजल्ट्स बता रहा होगा, 170 पर मंथ। ठीक है, क्लियर? ठीक है, उसके बाद हम अपने ऑन पेज एसईओ कुछ और चीज़ों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ मैंने टाइटल बताई थी आप लोगों को, दूसरी चीज़ आप लोगों को मेटा, डिस्क्रिप्शन बताई थी, उसके बाद आप लोगों को मैंने हेडिंग्स बताई थी आप लोगों को मैंने, उसके बाद आप बताया था मैंने बोल्ड लेटर्स, उसके बाद इंटरनल लिंकिंग। ये वो मेन चीज़ें जो कि आपके पेज पे होनी चाहिए ज़रूर अकॉर्डिंग टू गूगल। इसको मुझे कौन बताएगा कि अगर मैंने इसका इसको वन से स्टार्ट करना है तो किस तरह करूँगा इसको मैं? कौन बताएगा? ये ऊपर ऊपर 9 तक हुआ है, मैंने इसको 1 से स्टार्ट करना है। बुलेट लगा गया वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ना आए तो आप लोग ने यहाँ पे जाना है सेट नंबरिंग वैल्यू। ठीक है, यहाँ से आप इसको 1 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आप ये कर देंगे कंटिन्यू विद प्रीवियस लिस्ट तो ये प्रीवियस लिस्ट से कनेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली 10 आता रहेगा, और अगर आप इसको स्टार्ट न्यू लिस्ट कर देंगे या स्टार्ट विद 1 कर देंगे तो 1 से होगा। वर्ड को अगर डिस्कस कर ही रहा हूँ तो एक और कॉन्सेप्ट बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए, उसमें यह है कि अगर आप लोगों ने डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट नंबर्स लगाने हो, पेज नंबर, ठीक है जी, ठीक है, सेक्शन ब्रेक्स यूज़ करेंगे। आप लोगों को सिर्फ बता देता हूँ, आप लोग खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। आप लोग लेआउट्स में जाएंगे, ब्रेक्स, और यहाँ पे सेक्शन ब्रेक लगाएंगे। सेक्शन ब्रेक लगा के फिर आप लोग डिफरेंट उसको डिसकनेक्ट करेंगे दोनों के हेडर्स फुटर्स को, उसके बाद पेज नंबर हर पेज पर डिफरेंट आप लगा सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। टाइटल मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइटल जो बेसिकली आप लोगों का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका कीवर्ड, इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ योर कीवर्ड प्लस यूएसपी प्लस ब्रांड नेम। अगर हम draz.pk को देखते हैं, हम देख लेते हैं draz.pk, ये देखें इनका जो
ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान कीवर्ड आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बुक्स ये भी इसका कीवर्ड या स्पेशलिटी कह लें इसको, और साथ इसका ब्रांड नेम आ रहा है द्राज डॉट पी के। ठीक है, ये ऑप्टिमाइज्ड आपके टाइटल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप बात करते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन की, मेटा डिस्क्रिप्शन का आप लोगों को कल मैंने सैंपल भी लिख के दिखाया था, इसकी वीडियो मैं इसके साथ अटैच करके पोस्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, क्या हो गया, फ्रीज हो गया, चलो। ठीक है, यह आप लोगों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कीवर्ड्स प्लस पावर वर्ड्स यूएसपी ब्रांड नेम। ठीक है, इस तरह से आपकी डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। हम देख लेते हैं केस, एक केस स्टडी देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं द्राज डॉट पी के की देखना चाहूँ मेटा डिस्क्रिप्शन तो किस तरह देखूंगा, गूगल पे और एक एक्सटेंशन फिर आप लोगों को बताऊंगा मैं, मोज बार इसको कहते हैं। आप लोग मोज बार इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम्स में या अपने क्रोम पे। आप लोग जब जैसे ही इस पे आएंगे आप इसको एक्टिवेट करेंगे और यहां पे देखें पेज एनालाइजर के नाम से आता है। ठीक, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी URL, इस पेज का पेज टाइटल और इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है, ये देखें द्राज डॉट पी के इज योर ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर इन पाकिस्तान बाय द लेटेस्ट मोबाइल्स, ये फिर कीवर्ड इसने यूज किया। और ये जो लेटेस्ट का वर्ड है ये क्या है, पावर वर्ड। ठीक है, उसके अलावा अप्लायंसेस फैशन एसेसरीज एंड मोर रिटेल प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर सेल ऑनलाइन। उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी इन कराची लाहौर इस्लामाबाद ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो COD क्या आ गया इसका, ये कैश ऑन डिलीवरी क्या हो गया, USP हो गया। ठीक है, तो और देखें ये जो टिक मार्क यूज कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे स्टार भी यूज करते हैं, ये किस लिए होते हैं कौन बताएगा। नहीं यार, ये देखो आप ये देख लो गौर से, यहाँ पे इन्होंने टिक मार्क यूज किया हुआ है, कुछ लोग स्टार भी यूज करते हैं, डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं। ये बेसिकली यूजर अट्रैक्शन के लिए होता है कि यूजर को एकदम से नजर आए यार कि जबरदस्त चीज आई है। ठीक है, इसी तरह एक और केस हम देख लेते हैं, मुझे वेबसाइट का नाम एग्जैक्टली नहीं याद, myntra.com, हाँ myntra.com बेसिकली इंडियन एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स स्टोर है जिस तरह हमारे पास द्राज है। इसकी अगर हम केस स्टडी देखते हैं, मैंने इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन चेक करनी है और टाइटल चेक करना है, तो मैं सिंपल पेज एनालाइजर पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने हर चीज आ जाएगी। ये देख लें, ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर फैशन एंड लाइफस्टाइल इन इंडिया, बाय शूज क्लॉथिंग एसेसरीज एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन एंड मेन, बेस्ट ऑनलाइन फैशन स्टोर, COD 30 डेज रिटर्न। ये दो चीजें क्या हो गई इसकी, USP हो गई और इन्होंने देखे स्टार यूज किया हुआ। जैसे ही ये वेबसाइट गूगल रिजल्ट्स में आएगी तो मेरे सामने ये जो स्टार वाला आइटम है ना, स्टार जो नजर आ रहे हैं, ये फौरन मेरे माइंड में क्लिक करेगा यार मैंने इसको चेक करना है कि क्या चीज है। हम चेक करके देख लेते हैं गूगल रिजल्ट्स में कैसी शो होती है इसकी है। शो नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन जैसे ही शायद मेरे ब्राउजर का इशू है क्या है, लेकिन शो पूरी नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे अगर स्टार आपको शो नजर आएगा ना, तो फौरन से आपके माइंड में क्लिक करेगा यार कि बहुत जबरदस्त चीज है। या आप लोगों को जो मैंने टूल बताया था कौन सा था, SEO वुफो, आप हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं स्निपसेट इसका किस तरह से शो होता है या क्या वजह इसका टाइटल पूरा शो नहीं हो रहा हमारे पास। इसका पेज टाइटल ये है,
डिस्क्रिप्शन के वर्ड ज्यादा, ठीक है। स्निपसेट ऑप्टिमाइजर भी कहते हैं इसको आप। हम यहाँ पे टाइटल में इसका टाइटल ऐड करके देख लेते हैं और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन ऐड करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या नजर आता है हमें। ये देख लें ज्यादा है, हमें यहाँ पे पूरा शो नहीं हो रहा, और गूगल रिजल्ट्स में भी हमें स्टोर तक ही शो हो रहा है और यहाँ पे भी स्टोर तक ही शो हो रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं, मैं इस चीज को डिलीट करता हूँ तो ये देखें स्टार्स मुझे गूगल रिजल्ट्स में इस तरह शो होंगे स्टार्स, ठीक है, समझ आ गई है। तो देखें अगर इस तरह की कोई चीज मेरे सामने शो हो रही है और इसके अगेंस्ट अगर बगैर स्टार के शो हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यूजर को ये हैं कि वो स्टार वाले पे क्लिक जल्दी करेगा, ठीक है। तो आपके मेटा डिस्क्रिप्शन इस तरह से होने चाहिए। अब आते हैं हम हेडिंग्स पे। हेडिंग्स में आप लोग मैंने आप लोगों को बताया था H1 हेडिंग्स होती हैं, H2 हेडिंग्स होती हैं, H3 हेडिंग्स होती हैं। इस तरह से आप सो ऑन जितनी मर्जी हेडिंग टाइप यूज कर लें। अकॉर्डिंग टू एक परफेक्ट SEO या अकॉर्डिंग टू गुड SEO या बेस्ट प्रैक्टिसेस इन SEO, ये कोई हार्ड रूल नहीं है कि आपने इस तरह करना ही करना है, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो ये कहती हैं कि आपके पेज पे H1 हेडिंग जो होनी चाहिए ओनली वन होनी चाहिए, एक H1 हेडिंग होनी चाहिए जिसमें आपका प्राइमरी कीवर्ड जरूर यूज हुआ हो, एंड यूज कीवर्ड। मजर वीडियो नहीं बनानी है आज, मजर वीडियो यूज वन हेडिंग, H1 हेडिंग आपने एक यूज करनी है, बाकी H2, H3, H4 आप जितनी मर्जी हेडिंग यूज करें वो डिपेंड करता है आप पे। अच्छा अब हम फिर दोबारा किसी केस स्टडी पे चलते हैं और चेक करते हैं कि वेबसाइट्स किस तरह से इसको यूज कर रही हैं। आपने मोज बार को एक्टिवेट करना हो तो आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, मोज बार एक्टिव हो जाएगी, ये देखें एक्टिव हो गई, इस पे क्लिक करेंगे मोज बार डीएक्टिवेट हो गई। होम एंड लिविंग, हम चलते हैं इसके किसी पेज पे चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल चले हम इस पेज को विजिट कर लेते हैं क्लॉक्स। ये देखें क्लॉक्स का पेज है, अगर हम इस हेडिंग को देखते हैं कौन सी हेडिंग यूज हुई है, आपने सिंपल राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाना है, फिर इसके दो वेज बता रहा हूँ आप लोगों को किस तरह से आपने चेक करनी हेडिंग्स बेसिकली। अच्छा पेज, ठीक है, अपने हेडिंग को चेक करना है, आप सिंपल उस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, ये देखें क्लॉक्स आपके सामने यहां पे आ रहा होगा, ये क्लॉक्स और कौन सा टैग यूज हुआ है, H1 हेडिंग यूज हुई है। उसके बाद अगर आप इवेंचुअली बॉटम स्क्रॉल करते हैं तो आपको और बहुत सारे हेडिंग्स आपको नजर आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम बाय क्लॉक्स इसको चेक करते हैं जो ये वाली हेडिंग कौन सी यूज हुई है, ये देखें H2 यूज हुई है, ठीक है, इसने H1 हेडिंग एक यूज की हुई है, H2 या H3 मल्टीपल यूज आप कर सकते हैं। सिमिलरली आप लोग आपने किसी वर्ड पर ज्यादा एम्फोसिस करना है तो आप उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने बोल्ड का टैग बताया था, बोल्ड के बेसिकली दो टैग यूज होते हैं, एक तो आपका मैंने आपको बताया था कि आप लोग यूज कर सकते हैं बी का टैग, और आजकल जो मॉडर्न SEO मॉडर्न HTML इसको HTML5 कहते हैं हम, उसमें जो यूज हो रहा है उसको आप स्ट्रांग का टैग भी यूज करते हैं। इन स्ट्रांग मीन्स कि आपने उसको जरा बोल्ड करना है, स्ट्रांग करना है, ठीक है। तो ये दो टैग यूज होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप H1 हेडिंग एक यूज करेंगे, उसमें अपना प्राइमरी कीवर्ड ऐड करेंगे, और उसके बाद H2 H3 आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं, जैसे इस केस स्टडी में मैंने आप लोगों को बताया इस केस स्टडी में उन्होंने किया हुआ है। अगर हम इस हेडिंग को चेक करना चाहें राइट क्लिक करें, इस हेडिंग को सिलेक्ट करें, सिर्फ ये देखें और ये आपके सामने पता चल जाएगा आपको, ये बेसिकली पैराग्राफ यूज किया हुआ उसने और स्ट्रांग का टैग यूज किया हुआ, देख लें, ठीक है। तो बेसिकली आपका पेज कॉम्बिनेशन होना चाहिए
हेडिंग का, एच वन हेडिंग का, एच टू हेडिंग का, एच थ्री हेडिंग्स का, ये क्यों हम हेडिंग्स यूज करते हैं, हेडिंग्स क्यों यूज की जाती हैं? वाजे नजर आए हेडिंग, ये जो हेडिंग होती है ना, ये सेम टेबल ऑफ कंटेंट कितना बिहेव करती हैं, आपके लिए भी, क्रॉलर के लिए भी और यूजर्स के लिए भी, उसको हर इन्फॉर्मेशन क्लियरली नजर आ रही होती है कि एच वन हेडिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ये पेज का टाइटल हो सकता है, ठीक है, या उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। जिन वर्ड्स को हमने एम्फोसिस करना होता है हम उनको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी जैसे मैंने आप लोगों को आर्टिकल में लिखवाया था आप लोगों को, मैंने उसमें मैंने कहा था एच वन हेडिंग यूज होनी, हेडिंग्स यूज करनी है आपने, जब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था आप लोगों को बताया था मैंने कि एच वन हेडिंग टॉप पे आएगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद एच टू एच थ्री एच फोर, ठीक है, वो सब सप्लीमेंट्री हेडिंग्स होती हैं। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ दोबारा से, ये देख लें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेडिंग, ये हमारी H1 हेडिंग आ जाएगी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसको, ठीक है। अगर आपने H2 हेडिंग लगानी है तो आप जरा थोड़ा सा आगे चले जाओगे, H2 हो जाएगी, ये H3 हो जाएगी, H4, H5, ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है पेज का, लेकिन यानी जब हम डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं ये स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप वेब पेज की बात कर रहे हैं तो इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा स्ट्रक्चर किस तरह से यूज करते हैं, कहाँ पे कौन सी हेडिंग यूज करते हैं। नॉर्मली जो आपकी H1 हेडिंग होती है टॉप पे होती है, H2 फिर आप कहीं भी यूज कर सकते हो उसको, ठीक है, या जो सब टॉपिक्स की हेडिंग्स होती हैं वो आप H2 टैग देते हो, जो सब टॉपिक्स की टॉपिक्स के सब टॉपिक्स होते हैं उसको आप H3 टैग दे देते हो। तो ये वैसे ही हम बोल्ड कर दिए जो उसका साइज इंक्रीज कर रहा है वो वही है क्या, वैसे हमने हेडिंग लिखी है, वैसे हेडिंग नहीं जाते उसका साइज इंक्रीज कर लेते हो वैसे इसको बोल्ड कर देते, वो हेडिंग नहीं होती बेसिकली, वो तो सिर्फ फॉन्ट साइज इंक्रीज किया ना आपने, फॉन्ट साइज इंक्रीज किया, अगर आप फॉन्ट साइज इंक्रीज करोगे तो वो बेसिकली होगा पैराग्राफ का टैग ही, वो ये उसको हेडिंग कंसीडर नहीं करेगा, हेडिंग तब कंसीडर होती है जब उस पर टैग यूज होगा हुआ होगा हेडिंग का, अदरवाइज वो सिंपल टेक्स्ट उसको कंसीडर करेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है, आपने क्लासेस नहीं ली शायद, यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है बेसिकली आपका कि आपको कौन सी चीज़ डिफरेंशिएट करती है दूसरे लोगों से, ठीक है, आई समझ नहीं है, एच वन एच टू एच थ्री हेडिंग का साइज डिफाइंड होता है, या आप उसको मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके पेज की लुक पे, कि आपका पेज की लुक क्या, फॉर एग्जांपल देख लें, अगर यहाँ पे देख लें एच वन टैग यूज हुआ है तो आपको इतना साइज का बड़ा नहीं लग रहा, तो उन्होंने बैकएंड से इसको कोई कोड में चेंज करके इसको साइज रिड्यूस किया हुआ, लेकिन टैग फिर भी एच वन का है, ये कोई डिफाइंड साइज नहीं होता कि इसका साइज ये होना ही होना चाहिए, लेकिन एच वन टैग होना चाहिए। आपको यूएसपी मैंने भी अभी हमने एक्सप्लेन किए हैं, काशिफ एक्सप्लेन क्या किया मैंने बताया यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका कैश ऑन डिलीवरी हो सकता है, उसके अलावा 30 डेज वारंटी हो सकती है, या फ्री ऑफ कॉस्ट रिटर्न हो सकती है प्रोडक्ट की, तो ये आपके यूएसपीज होते हैं जो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। आप वो जो वीडियोस वहाँ मैंने पोस्ट की हुई हैं, वीडियोस देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आती है आपके हेडिंग के बाद, मैंने आपको अभी बताया एक्सप्लेन किया, उसको कहते हैं बोल्ड वर्ड्स, ठीक है। आप लोग अपने मेन जो आपके फोकस वर्ड्स हैं, या जो आप लोगों के जिन वर्ड्स पे आप फोकस करना चाहते हो या एम्फेसिस करना चाहते हो उसको आप बोल्ड कर देते हो, जब क्रॉलर आता है वो भी इसको डिफरेंट वे से देखता है, जो चीज़ स्ट्रांग हुई है उसको ज़्यादा एम्फेसिस करता है उस पर, जो चीज़ सिंपल टेक्स्ट लिखा है उस पर कम एम्फेसिस होता है। तो मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ कि आपके पेज पे जो मस्ट हैव थिंग्स हैं, उसके बाद आपकी इंटरनल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग बहुत जरूरी है, इंटरनल लिंकिंग इज सेम लाइक अ वेब। वेब क्या होता है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, या पूरा वेब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है एट द एंड, तो बेसिकली आपकी साइट आइसोलेटेड पेजेस नहीं होने चाहिए, वो एक वेब की तरह होने चाहिए, यानी उस हर पेज एक दूसरे से कनेक्टेड हो, इंटरलिंक्ड हो, एक पूरा वेब बनाओ, आइसोलेशन में ना हो पेजेस, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक, ट्रैक मैंने आप लोगों को एक वे बताया था,
आपने चेक करना हो कि आपका पेज कब लास्ट टाइम गूगल ने एक्सेस किया, हाँ वो कैसे से आप कर सकते, किस किस पोर्शन पे गए हैं, वो कुछ पेड सॉफ्टवेयर के थ्रू मे भी हो सकता हो, ठीक है, लेकिन फ्री ऐसा कोई नहीं है, लेकिन यहाँ से आप चेक कर सकते हो कैशे के थ्रू, ठीक है जी। क्या बोल्ड में आपने कीवर्ड अपना बोल्ड कर देना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं draz.pk पे, तो ये देखें मैं इसके हम मेन इंडेक्स पेज पे चले जाते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या यूज किया हुआ। ये देखें उन्होंने हेडिंग्स यूज की हुई है, ये हेडिंग्स ना भी हो शायद ये बोल्ड लेटर्स ही होंगे, देख मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, व्हाट द हेल इज दिस, राइट क्लिक किया मैंने और मैं इसको चेक कर लेता हूँ, H1 हेडिंग यूज हुई है, H3 हेडिंग यूज हुई है, उसके बाद अगर ये चीज देखते हैं हम लोग H4 हेडिंग यूज की, बेसिकली जो draz.pk स्ट्रक्चर लेके चल रहा है वो सारा हेडिंग बेस चल रहा है, उसने हेडिंग यूज की नहीं है, सारी की सारी उसने बोल्ड नहीं किया हुआ, क्योंकि हेडिंग्स भी ऑलरेडी बोल्ड होती हैं, आप उसका साइज रिड्यूस कर देते हैं तो हेडिंग का एक टैग यूज होकर बोल्ड हो जाती हैं, एज ए हेडिंग कंसिडर होती हैं, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें बोल्ड भी नजर आएंगी। अगर हम किसकी कैटेगरी पेज पे जाते हैं वो देख लेते हैं, कैटेगरी पेजेस फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ऑडियो में चले जाते हैं, हेडफोन्स एंड सेट्स, चलें हम इस पेज को चेक कर लेते हैं, इस पेज पे किस तरह से स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है, ये ऑब्वियसली H1 हेडिंग होगी, पेज टाइटल है। अगर हम बॉटम पे आते हैं देखते हैं इसमें क्या यूज हुआ है, नहीं ठीक है यहाँ पे नहीं है। अगर हम myntra.com पे जाते हैं इसको देख लें, ये देख लें इन्होंने वर्ड्स को बोल्ड किया हुआ है, देखें शो पीसीज, होम डेकोर, मिरर्स, फोटो फ्रेम्स, यानी जिन जिन वर्ड्स पे फोकस करना चाह रहे हैं उनको बोल्ड का टैग यूज किया हुआ। अगर आप इसको राइट क्लिक करके देखना चाहें, इंस्पेक्ट एलिमेंट, स्पेसिफिकली इस वर्ड को देखें आप, ये देखें इन्होंने लिंक का टैग यूज किया हुआ लेकिन इसको बोल्ड भी किया हुआ है। अगर हम इसको देखें, ओके ये देखें, अगर हम इसको देखें नहीं बोल्ड है, देखें आपको बोल्ड नजर नहीं आ रहा क्लियर, ये बेसिकली उन्होंने लिंक्स यूज किए हैं इसलिए आपको HREF का लिंक आपको टैग नजर आ रहा है। ये सारे लिंक्स हैं बेसिकली इनके डिफरेंट कैटेगरी पेजेस पे, तो बेसिकली क्या वो क्या करना चाह रहे हैं कि इन वर्ड्स से फोकस करना चाह रहे हैं और ताकि यूजर इन पे क्लिक करके दूसरे पेजेस को भी ब्राउज करें। मैं इस पे शो पीसेस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे शो पीसेस दिखा देगा सारे, ये देख लें ठीक है, इंटरनल लिंकिंग की समझ आ गई। उसके बाद जो चीजें आती हैं वो आपका टेक्स्ट आता है पेज पे, पेज आपके जो पेज का टेक्स्ट है उसमें जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर कहते हैं उसको हम कहते हैं कि आपके फर्स्ट यूज योर कीवर्ड इन द फर्स्ट 150 वर्ड्स ऑफ फर्स्ट। नॉर्मली जो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं अगर आप बात करते हैं योस्ट SEO की, तो योस्ट SEO कहता है कि अपना जो आपका जो मेन कीवर्ड है ना, प्राइमरी कीवर्ड, वो आपके पहले पैराग्राफ में यूज होना चाहिए, और बहुत सारे लोग इस चीज पे ही फोकस करते हैं कि आपका प्राइमरी कीवर्ड विद इन 150 वर्ड्स आना चाहिए आपके टेक्स्ट में, ठीक है। एक अच्छी SEO के लिए आपका मेन कीवर्ड फर्स्ट 150 वर्ड्स में आना चाहिए, जब टेक्स्ट लिखते हो किसी पेज का तो पहले 150 वर्ड्स में आपका प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी वर्ड कीवर्ड्स और बहुत सारे, ठीक है ठीक है। आपके प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स का डिफरेंस पता है ना आप लोगों को, सबको नहीं पता, नहीं पता प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स कितनी बार एक्सप्लेन किया मैंने, प्राइमरी कीवर्ड आपका मेन फोकस्ड कीवर्ड होता है और सेकेंडरी कीवर्ड्स वो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर आप लोगों ने रिलेटेड कीवर्ड सर्च करने हैं अपने प्राइमरी कीवर्ड से रिलेटेड, उसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है
उसको हम कहते हैं एल एस आई ग्राफ, एल एस आई ग्राफ, ठीक है। ये बेसिकली टूल है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा मेन कीवर्ड है बाय मोबाइल फोन्स, तो ये बेसिकली मुझे मेरे कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी गूगल रिजल्ट्स में आते हैं आप वो शो करवा देगा। जनरेट, एल एस आई को हम, इसका एब्रीवेशन आप लोगों ने नहीं पूछा सर, एल एस आई होता क्या है, क्या होता है एल एस आई, आप लोग बताएं मुझे एल एस आई। लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, ठीक है। ये बेसिकली आपसे रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, आप लोग जब गूगल पे सर्च करते हैं कोई भी क्यूरी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मोबाइल फोन्स बाय फोन इन पाकिस्तान, तो आप जब आप बॉटम पे जाते हैं आप लोगों को कुछ ये वर्ड नजर आ रहे होते हैं इससे रिलेटेड कीवर्ड्स, ठीक है। इनको हम लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कहते हैं, ये रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। या यहाँ पे देख लें, ये आपके पास उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए, अगर बाय मोबाइल फोन इन पाकिस्तान करें हम, जो कीवर्ड एवरीवेयर का आप लोगों को मैंने जो एक एक्सटेंशन बताई है देख लें, इसके भी आपको मंथली सर्चेस बता रहा, तो आप लोगों को बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है कि आपने कौन से वर्ड्स को अपने पेज पे यूज करना है। ये देखें, ये ठीक है, ये देख लें, मोबाइल फोन, मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान, ऑनलाइन मोबाइल शॉपिंग इन पाकिस्तान, फ्री होम डिलीवरी, ये वो वर्ड्स हैं जो कि इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, यूज मोबाइल फोन प्राइस, मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान। ये देख लें, जो गूगल भी आपको रिजल्ट दिखा रहा है तकरीबन सम हाउ वही दिखा रहा है, यूज मोबाइल फोन प्राइसेस विद फ्री होम डिलीवरी, ये सारे वर्ड्स वही हैं जो कि आपको लेटेंट सिमेंटिक, सॉरी एल एस आई ग्राफ बता रहा है। लेकिन इसमें मुझे फायदा क्या हो गया, मैंने एक्सटेंशन की हुई है, मुझे इसकी मंथली सर्चेज भी नजर आ रही हैं। आप लोगों का टेस्ट लेता हूँ कि ये जो सी पी सी आ रहा है ये क्या है। सी पी सी क्या होता है, ये आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ, ये जब आप कीवर्ड सर्च करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे, तो आपको सीपीसी बिड रन नजर आ रही होती है, बिड नजर आ रही होती है, मैंने बताया था कि यूजर को इतने पैसे पे करने पड़ेंगे जब पर क्लिक करेगा, ये वो चीज है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। अगर किसी ने पेड एडवर्टाइजिंग चलानी है अपने गूगल एडवर्ड्स पे, इस कीवर्ड के लिए अगर टॉप रैंक में आना चाहता है गूगल रिजल्ट्स में विदाउट हैविंग एसईओ, तो उसको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे पर क्लिक इस वर्ड के लिए, तो सीपीसी इज दैट, ठीक है, समझ आ गई। कोई जिसकी वेबसाइट होगी वो उसको पे करने पड़ेंगे, नहीं नहीं गूगल को पे करने पड़ेंगे, गूगल गूगल फिर उसमें से कुछ शेयर देता है दूसरे लोगों को जो कि गूगल एडवर्ड्स चला रहे होते हैं, लेकिन ये पैसे सारे गूगल के अपने होते हैं क्योंकि गूगल के रिजल्ट्स में शो होते हैं रिजल्ट्स आपके, एडवर्ड्स एडवर्ड्स और एडसेंस को आप वो ना करें, ना मिक्स ना करें, क्लियर। कोई कोई क्वेश्चन किसी का, आपको मेटा डिस्क्रिप्शन बता दी, मेटा कीवर्ड्स बता दी आपको मैंने, अब जो एक और मेन चीज जो मेटा में शो होती है उसको हम कहते हैं मेटा रोबोट्स, ज्यादा हो रहा है कुछ काम, कॉन्सेप्ट ज्यादा टेक्निकल है, नहीं टेक्निकल है या नहीं है, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को एक आम इंसान की जुबान में समझा दूं कि ये है क्या। तो आप लोग जो स्टार्ट में आए थे आप लोगों ने कहा सर एसईओ कराएं, एसईओ कराएं, मैं एसईओ करा रहा हूं डिटेल में, वरना इतनी डिटेल में एसईओ मैंने किसी बैच को नहीं करवाई, मैंने आप लोगों के जो इंटरेस्ट था उसको देख के, आप लोगों की जो आप लोगों के जो बुलंद इरादे थे ना उसको देखते हुए मैंने कहा, सोचा मैंने कहा डिटेल में एसईओ करवाते हैं,
पता चले इनको ऐसी होती किस तरह से और ना इतनी डिटेल में कभी किसी बैच को मैंने नहीं करवाई ऐसी आज तक। हम चार पांच लेक्चर्स लेते थे एसईओ के, बस खत्म। आज हमारा एसईओ का यहाँ पे शायद फिफ्थ लेक्चर है। खैर बोर तो मैंने करना ही है आप लोगों को इंशाल्लाह। तो मेटा रोबोट्स होते हैं, आप लोगों को अगर इसकी एग्जांपल देखनी है तो हम draz.pk को विजिट कर लेते हैं। मैं इसके इंडेक्स पेज पे जाता हूँ और इसका मैं पेज सोर्स ओपन करता हूँ Ctrl U। या हम इसको विजिट कर लेते हैं आई डोंट नो इसने इसका पेज का कलर किस तरह चेंज किया मुझे नहीं पता, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। ये सबलाइन ये देखिए, ये मैटर नेम रोबोट्स यूज हुआ है। हम इसको डिस्कस करेंगे, ये बेसिकली टर्म्स क्या यूज हुई है, इनका मकसद क्या होता है। ये यार नीचे जाके ये नहीं है, ये देखो ये इन्होंने वाइट किया हुआ सारा, ये देखो वाइट हुआ नहीं है, ये देखो अच्छा हाँ ठीक सही ओके। कंट्रोल एफ करें हम, इन्होंने नहीं यूज किया हुआ, हम यहां देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि बेसिकली क्या होते हैं रोबोट्स, क्या होते हैं इसकी यूजेज क्या होता है। बेसिकली आप लोगों को टैग बता देता हूं, टैग होता किस तरह से है। ये बेसिकली टैग इस तरह से होगा मेटा, या हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है हम इसी टैग को कॉपी, ये इस तरह ही टैग होगा आपका मेटा नेम, ठीक है। यहां पे लिखा होता है नॉर्मली इंडेक्स फॉलो, ये इस तरह की टर्म यूज हुई होती है कुछ, ठीक है मेटा में, मेटा रोबोट्स में। रोबोट फाइल बेसिकली क्या एक्ट परफॉर्म कर रही होती है, क्या चीज रोबोट फाइल बेसिकली होती है आपके सर्च इंजन के लिए। आप सर्च इंजन को समझ लें, कोड वर्ड में बात कर रहे होते हैं। जैसे आपने जाना होता है ना किसी पार्टी पे जाना हो, फ्रेंड के साथ या कहीं भी जाना हो, तो आप दूसरे लोगों से बचने के लिए कुछ इशारों में बातें कर देते हैं बहुत सारी, कि आज वहां जाना है हमने। तो सेम इसी तरह आप सर्च इंजन से बात कर रहे होते हैं, सर्च इंजन को फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सर्च इंजन किस तरह से हमारे हाथ से आ जाए और हम सर्च इंजन को पकड़ के रगड़ दें। तो सर्च इंजन इन वर्ड्स को समझ रहा होता है कि इंडेक्स और फॉलो का क्या मतलब है। रोबोट फाइल्स, रोबोट चार तरह के होते हैं बेसिकली, जो चार क्लासिफिकेशन होती हैं रोबोट की। सबसे पहली होती है इंडेक्स फॉलो, नो इंडेक्स फॉलो, नो इंडेक्स सॉरी इंडेक्स नो फॉलो, नो फॉलो, नो इंडेक्स। ये चार तरह की रोबोट्स होते हैं आपके, जो आप मैसेजेस गूगल के बॉट को भेजने की कोशिश कर रहे होते हो कि बॉट साहब आप मेरी वेबसाइट में आए तो इंडेक्स और फॉलो देखें तो ये करना है, नो इंडेक्स फॉलो देखें तो आपने ये करना है, इंडेक्स और नो फॉलो देखें ये करना है। तो वो क्या मैसेजेस आप भेजने की कोशिश कर रहे होते हो, वो आपको सिंपल वर्ड में आप लोगों को बता दूं कि बॉट आपकी वेबसाइट पे किस लिए आता है, आपके रिजल्ट्स को गूगल में शो करवाने के लिए ऑब्वियसली। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, आपका जो पेज है पूरे का पूरा उसको इंडेक्स कर ले गूगल अपने पास। आगे समझ आई या नहीं आई? अच्छा, आपका ये पेज है, इस पे आपने इंडेक्स और फॉलो यूज किया हुआ है रोबोट, तो ये पूरे का पूरा पेज जो है आप गूगल को कह रहे होते हो गूगल साहब आप मेरे पेज पे आ तो गए हैं, इस पूरे पेज को आपने सबमिट कर लें अपने पास, जब भी यूजर सर्च करे तो मेरा draz.pk का रिजल्ट गूगल में शो होना चाहिए, यानी गूगल इंडेक्स कर ले इस पेज को। गूगल इंडेक्स का मतलब यह होता है कि गूगल अपनी डेटाबेस में उस रिजल्ट को सेव कर ले,
और यूजर सर्च करने पे उसको सर्च रिजल्ट में शो करवाए नो मैटर पहले पेज पे, नो मैटर 1000वें पेज पे, आगे समझ। और ये जो फॉलो वाली चीज होती है ना, फॉलो ये सेम लाइक इस तरह ही है, आप कायदेज़म की पर्सनैलिटी को आपने इंडेक्स तो कर लिया आपने अंदर, आप ले आए कि मैं कायदेज़म बनना चाहता हूँ, लेकिन कायदेज़म जैसी ड्रेसिंग नहीं स्टार्ट की आपने अभी तक। तो अगर आप कायदेज़म वाली ड्रेसिंग भी स्टार्ट कर देंगे फॉलो करना, तो वो फॉलो ये होता है। तो आप सर्च इंजन को बता रहे होते हो कि इस पेज पे जो जो लिंक्स लगे हुए हैं, जो जो टेक्स्ट लगा हुआ है, जो चीज़ें भी हैं, वो सारे के सारे भी आप सबमिट कर लो। यानी मैंने इंटरनल लिंकिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया। वो जो इंटरनल लिंकिंग होती है, आप गूगल को कह रहे होते हो कि मैंने जो जो लिंक्स इस पेज पे लगाए हुए हैं उसको भी आपने चेक करना है और सबमिट करना है। इंटरनल लिंकिंग ज़रूरी है आपकी जो वेबसाइट इंडेक्सिंग प्रोसेस होता है उसको फास्ट करने के लिए, बड़ा आप इम्पैक्ट क्रिएट करता है। क्योंकि जब आपने पेज, आपका एक मास्टर पेज होगा, उस पर सारे पेज आपने लिंक किए होंगे, तो गूगल आपके एक पेज पे आएगा, उसको इंडेक्स करेगा, उस पर जो जो लिंक्स लगे हुए उन सबको विजिट करेगा। यानी ये सेम इस तरह होता है कि आपके पास, जैसे आपका फ्रेंड पेपर के दिनों में आपको बुलाता है और आपको कहता है कि यार मेरे घर आओ, मैंने ये टॉपिक समझना आपसे। वो टॉपिक के नाम पे आपको बुला तो लेता है और फिर वो पूरी बुक समझ के आपको भेजता है वापस घर। तो सेम इस तरह ही है कि आपका क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आ तो गया है, उसको आप इतना इतना बिजी कर दो कि वो उसको टाइम ही ना मिले कहीं और जाने का, वो आपके पेजेस में ही घूमता रहे, वो सारे पेजेस इंडेक्स करने के बाद फिर घर जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि वेब होना चाहिए आपका पूरा पेज, पूरी वेबसाइट इंटरनल लिंक्ड होनी चाहिए। अब तो इंडेक्स का मतलब, अगर ये कमांड यूज हो रही होगी, इसका मतलब गूगल को मैसेज दे रहे होंगे कि आपने इस पेज को इंडेक्स करना है और इसके साथ इंटरलिंक जितने भी पेजेस हैं उन सबको इंडेक्स करना है। ठीक है, चलें। अब नो इंडेक्स फॉलो है, नो इंडेक्स फॉलो का मतलब ये होता है कि आपने इस पेज को इंडेक्स नहीं करना, इस पेज पे जो लिंक्स हैं उन सबको आपने इंडेक्स करना। इसकी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट पे एक अबाउट अस का पेज है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, अबाउट अस का पेज है जिसपे आपके स्टाफ की डिटेल्स मौजूद हैं, ईमेल एड्रेसेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें बहुत सारी फीमेल्स भी हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि उन वो रिजल्ट्स, अबाउट अस के रिजल्ट्स आपके उस पे शो हों, आपके गूगल पे शो हों। तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे कि आपने अबाउट अस के पेज को इंडेक्स नहीं करना, इस पेज पे जो जो लिंक्स लगे हुए उन सबको इंडेक्स कर लो। समझ आ गई? अगर आप, अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने वहां पे कुछ कोई रोबोट नहीं यूज किया हुआ, कोई रोबोट का टैग यूज नहीं किया हुआ, तो वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स और फॉलो होता है। समझ आ गई? बाय डिफॉल्ट इंडेक्स और फॉलो होता है। तो आपने अगर उस पेज को इंडेक्स नहीं करवाना, उस पेज पे जितने लिंक्स लगे हुए हैं, आप कहते हो इस पेज पे तुम आओ लेकिन इस पेज के थ्रू मेरी पूरी वेबसाइट को विजिट करो और उनको इंडेक्स करो, तो आप फिर ये नो इंडेक्स फॉलो का यूज करते हो। क्लियर? नहीं क्लियर? चले, आप लोगों को फिर बता देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ। फिर आप कहते हो कि मेरा ये पेज है, मेन पेज है, इस पेज को आपने इंडेक्स नहीं करना, इस पेज पे जितने लिंक्स लगे हुए या सब पेजेस बने हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये इसका सब पेज है एक, हम इसको विजिट कर लेते हैं, चले ये एक सब पेज है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये मेरे मेन पेज है पड़ा हुआ था, ये एक न्यू पेज है। मैं कहता हूं कि सिर्फ इस पेज को आप इंडेक्स करो, मेन पेज को इंडेक्स नहीं करना, आपने इस पेज को इंडेक्स नहीं करना, इस पेज जितने लिंक्स पड़े हुए हैं उनको वन बाय वन आप जाओ उन पे और उनको इंडेक्स करो। तो आप नो इंडेक्स और फॉलो का फंक्शन यूज करते हो। इंडेक्स का मतलब पेज होता है, फॉलो का मतलब उस पेज पे जितने लिंक्स पड़े होते हैं वो होता है, सिर्फ इतना समझ लें आप लोग। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स और नो फॉलो। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपने इस पेज को तो करना ही करना है सबमिट, इंडेक्स करना ही करना है, लेकिन उस पेज पे जितने लिंक्स पड़े हुए आपने उसको इंडेक्स नहीं करना। क्लियर? आगे समझ? और नो इंडेक्स नो फॉलो, मैंने इसको स्वैप कर दिया। ये
तो अगर ये वाला आपने यूज किया हुआ है तो इसका मतलब है आपने कोई चीज इंडेक्स नहीं करनी, कोई चीज फॉलो नहीं करनी. क्लियर? गूगल के मैसेजेस समझ आ गए हैं? एक अच्छा एसईओ होने के लिए आपको गूगल की लैंग्वेज आनी चाहिए. इंडेक्स और फॉलो बाय डिफॉल्ट होगा वो सारे के सारे पेजेस, सारे की सारी सब कैटेगरी. मैं आपको उसका एक और वे बताता हूँ अभी कि उसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है, उसको हम डिस्कस करते हैं वर्स्ट केस को. क्लियर? वो पता नहीं क्या यूज किया हुआ, देख लेंगे हम उसको. मैं इसको देख के फिर आप लोगों को बता दूंगा, या हम इसको देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं क्या यूज किया होता है. मैं इसको आप लोगों को अभी बताता हूँ बेसिकली क्या चीज़. इसको आप किस तरह रोक सकते हैं, इसका एक और टैग भी होता है, मैं आपको बताता हूँ. अब अगर आपने आप लोग चाहते हैं कि सुन लें, बात सुन लें मेरी भी मिस, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें उसके सर्च, उसके सोर्स कोड में ना जाना पड़े, सोर्स कोड में जाए बगैर ही हमें पता चल जाए कि इसने कौन सा टैग यूज़ किया हुआ, नो फॉलो यूज़ किया हुआ है या फॉलो यूज़ किया हुआ है या नो इंडेक्स नो फॉलो यूज किया हुआ है, वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक छोटा सा प्लगइन आप लोग इंस्टॉल करेंगे, उसको कहते हैं सी रोबोट. सी रोबोट आप इसको सिंपल अपने ब्राउजर में इंस्टॉल करेंगे. ये बेसिकली आपको आपके ब्राउजर में ही बता देगा आपको किसने कौन सा यूज किया हुआ टैग. इसको हम चले हम इसको रिफ्रेश करते हैं. चलिए देखें, हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं इसने कौन सा टैग यूज किया हुआ, कौन सा इसने रोबोट फाइल यूज की हुई है. ये देखें, अगर तो ये इसकी दोनों साइड्स ग्रीन है तो इट मीन्स उसने जो टैग यूज किया हुआ है वो यूज किया होगा इसने इंडेक्स और फॉलो का. इसकी जो राइट साइड होती है, ये लेफ्ट साइड है, ये इंडेक्स की होती है, राइट साइड होती है फॉलो की. तो उसने बेसिकली क्या किया होगा कि उसने जो फाइल यूज की हुई है इंडेक्स और फॉलो यूज किया हुआ. अगर तो इसमें आपकी राइट साइड या लेफ्ट साइड इनमें से कोई भी चीज आपकी रेड है तो वो आपकी वो साइड आपने इसका मतलब ये होगा वहां पे नो का टैग यूज हुआ होगा. अगर उसकी ये साइड लेफ्ट साइड उसकी रेड है तो इसका मतलब ये होगा कि उसने नो इंडेक्स का टैग यूज किया हुआ. उसकी अगर राइट साइड रेड है तो इसका मतलब क्या होगा, नो फॉलो यूज किया होगा. हम इसका केस देख लेते हैं कि उसने क्या यूज कहाँ पे यूज किया होगा. यहाँ पे देखिए दोनों चीजें, अगर मैं यहाँ पे एक फिल्टर अप्लाई करता हूँ प्राइस रेंज का, देखते हैं यहाँ पे उसका क्या होता है. मैंने एक सिंपल फिल्टर अप्लाई किया है, फिल्टर अप्लाई करके देखते हैं कि चेंज होता है या नहीं होता है. ये अगर हम इसको यूज करते हैं,
और हम यहाँ पे इसका एक फिल्टर अप्लाई करते हैं कोई भी कैटेगरी स्टोरेज नहीं, इसने सब पेजेस पे यूज़ किया हुआ है। इसका मैं आप लोगों को केस और बता दूंगा कि वो किस तरह से आप कहाँ पे नो फॉलो यूज़ करते हो। यहाँ पे इन्होंने सब पे यूज़ किया हुआ है। अगर हम इसको देख लें, ओके इस पेज को देखते हैं, तो बेसिकली कहने का मकसद ये आप इस टूल के जरिए देख सकते हैं अगर उसकी दोनों साइडें ग्रीन है तो इट मीन्स उसने इंडेक्स और फॉलो का यूज़ किया हुआ है। कोई भी एक साइड उसकी अगर रेड है तो उसने यूज़ किया होगा नो का फंक्शन, ठीक है, नो फॉलो नो। अच्छा, एक वो जो अभी जैन बात कर रहा था वो बेसिकली बात ही कर रहा था कि आपको किस तरह आसान वर्ड में समझाऊं मैं उसकी ज़रा यूज़ कर लूँ। आसान वर्ड्स क्या हो सकते हैं उसको समझाने के लिए आसान वर्ड्स चलें। एक टर्म यूज होती है, शायद जो टेक्निकल लोग हैं थोड़े से यहाँ पे बैठे हुए हैं वो समझते हो। एक पीएचपी में एक लिंक यूज होता है, उसको हम कहते हैं डायनामिक क्यूरी लिंक या डायनामिक क्यूरी सर्च कहते हैं उसको। डायनामिक लिंक्स क्रिएट होते हैं जो कि टेम्प्रेरी लिंक्स होते हैं, बाद में खत्म हो जाते हैं। पता है किसी को डायनामिक क्यूरीज? एनी आइडिया? किसी को आइडिया है यहाँ पे? नहीं आइडिया किसी को? चलें मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें मैं इस पेज पे आया, इस पेज से मैं ब्राउज करके मैं सब कैटेगरी में चला गया। मेरा पेज का लिंक ये है, ऐसा ही है। अगर मैं यहाँ पे कोई फिल्टर अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने नाइकी का शर्ट्स देखनी, नाइकी की शर्ट्स देखनी है, जैसे ही मैंने नाइकी पे क्लिक किया इसने एक न्यू लिंक क्रिएट कर दिया मेरे लिए। आ रही समझ? इसने न्यू लिंक क्रिएट कर दिया सर। एक दिन में आपकी वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल 10,000 लोग आ रहे हैं, 10,000 लोगों में से हर बंदा तकरीबन इस तरह के लिंक कोई भी फिल्टर अप्लाई करके सर्च कर रहा है कोई भी चीजें, तो उसके लिए 10,000 लिंक क्रिएट हो रहे होंगे न्यू। गूगल उसको भी कंसिडर करेगा कि ये एक न्यू पेज है और उसको भी सबमिट करने की कोशिश करेगा अपने पास, तो आपकी पूरी वेबसाइट का एक मैस क्रिएट हो जाएगा सर्च इंजन के पास, क्योंकि ये लिंक टेम्पररी होते हैं बाद में खत्म हो जाते हैं। इसको हम डायनेमिक इसीलिए कहते हैं कि टेम्पररी लिंक्स होते हैं बाद में खत्म हो जाते हैं। आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ये वाला जो लिंक है ये गूगल के पास सबमिट हो, ये वाले सारे लिंक सबमिट ना हो। इन लोग फिल्टर आके अप्लाई करें, आप गूगल को कहते हो कि यार ये सिर्फ मेरा मेन पेज यही है, इसके अलावा मेरा कोई पेज एग्जिस्ट नहीं करता इंटरनेट पे। नहीं होती उस, यार आपने बात करनी है गूगल से, आपने यूजर से बात नहीं करनी। अब देखिए फिर तो वो अगर गूगल हमें पहले ही वो लिंक प्रोवाइड कर दे उस टी-शर्ट का तो वो ज्यादा बेहतर नहीं चीज बजाय इसके कि वो हमें एक तो यार देखो मेरी बात सुनो, आप गूगल के पास अपने एक लाख लिंक सबमिट करवाओगे कि मेरे 1,00,000 लिंक हैं उनमें से कोई सर्च करके दिखा दो? आप अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग नहीं चाह रहे होते, आप कौन सा कोई आईफोन हो जो साल में सिर्फ 2 प्रोडक्ट लॉन्च करते हो? अगर बात आईफोन की होती ना, साल में जो 2-3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, फिर आप अपने पेजेस को इंडेक्स करवा दो कि मेरा आईफोन एक्स का पेज अलग से है, उसको इंडेक्स करवाओ, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, ये मेरी कैटेगरीज हैं, आप इनको भी सबमिट कर लो अपने पास, वो वहाँ पे बात समझ आती है। लेकिन आपके अगर ई कॉमर्स स्टोर पे 10,000 प्रोडक्ट पड़ी हों, 10,000 प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट, सुन लो ना बात, 10,000 प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट आपके पास 5 फिल्टरों प्राइस के, 5 फिल्टरों कलर के, 5 फिल्टरों सब कैटेगरीज के, तो एक पेज के अगेंस्ट आप 1,000 पेज सबमिट करवाओगे गूगल को? नहीं, तो वो तो फिर ऐसे ही होगा जो ट्रेंडिंग पे होगी। ऐसा नहीं होता यार, अब ये सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना
महान केसेस होते हैं, ऐसा नहीं होता कभी कोई भी दुनिया में कोई भी। कभी आप लोगों ने देखा है कि आप लोग कोई प्रोडक्ट सर्च करें, होता है बहुत सारी जगहों पे, जब आपका मेन पेज सबमिट हो जाए गूगल के पास तो उसमें से रिजल्ट गूगल ऑटोमेटिकली सर्च करके शो करवा स्टार्ट कर देगा, आपको सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर देखो जो आप बात कर रहे हो ना, यहाँ पे मैंने अगर draz.pk को सबमिट करवाया, आप लोग सुन लें सब, उसने जो बहस सेड़ी है उसको मैं जरा सली कर दूं उसकी। आप यहाँ पे draz सर्च करेंगे ना वर्ड, सिर्फ मैंने draz सर्च किया तो draz के अगेंस्ट मेरे पास 100,000 रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, हर प्रोडक्ट का अलग, हर फिल्टर का अलग, कि ये 500 वाली प्रोडक्ट है, ये 1,000 वाली प्रोडक्ट है, या ये 5,000 वाली प्रोडक्ट है, ये रेड कलर की प्रोडक्ट है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, तो हर पेज के अगेंस्ट हजारों रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप सिंपल draz को चेक करें, draz पे देखें कितने सब पेजेस बने हुए हैं, सर्विसेज तीन ये हैं, लोकेशन है, प्राइसिंग का मैक्सिमम मिनिमम कोई डिफाइंड नहीं है, रेटिंग्स हैं, कलर फैमिली है, 8-10 कलर फैमिलीज हैं, वारंटी पीरियड है, ये सारे पेज सब कैटेगरी के पेजेस हैं, सारे फिल्टर के पेजेस हैं, इसके हर एक के अगेंस्ट अलग पेज क्रिएट होता है। आप हर पेज के अगेंस्ट सारे पेजेस सबमिट करवाओगे? बोलो जी। गूगल का वो क्रॉलर होगा, वो खुद ही इस चीज को नहीं करेगा ना, उसको बताना तो है ना, अपने पेज पे टैग तो देना है ना, कोई वो तो अपनी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन से या कीवर्ड से देख। यार आप बातें पता नहीं कौन सी कर रहे हो, समझ से मेरी समझ से बाहर है। सर मेरे ख्याल से प्रोडक्ट का पेज तो सेपरेट बन रहा है, प्रोडक्ट का पेज सेपरेट बन रहा है, प्रोडक्ट पेज का ताल्लुक नहीं है इसके साथ ना, वही बात कर रहा हूं, ये सिर्फ फिल्टर की बात है कि फिल्टर के अगेंस्ट पेजेस क्रिएट हो रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहा हूं। ये देखें डायमेस डायनामिक पेजेस क्या होते हैं कि अपनी मर्जी से क्रिएट होते हैं, बाद में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जब नया यूजर आएगा सर्च करेगा, फिर एक टेम्प्रेरी पेज क्रिएट होगा, फिर खत्म हो जाएगा, वो सारे टेम्प्रेरी पेजेस जब भी यूजर इसको करेगा सर्च करेगा तो गूगल का क्रॉलर हुआ तो वो उसको कैशे करने की कोशिश करेगा, बाद में अगर पेज खत्म हो गया वो तो आपके पास इंडेक्सिंग के बहुत सारे इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब इन इश्यूज पे हम बात करेंगे लेटर स्टेजेस पे कि उसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, जब हम गूगल सर्च कंसोल को डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसमें आपके पास सारे आपको इश्यूज ये डिस्कस करेंगे हम कि ये इश्यू आएगा तो आपने क्या करना है, ये इश्यू आएगा तो क्या करना है। अब सिर्फ इतना समझ लें कि आप चाहते हैं कि गूगल साहब आप मेरी वेबसाइट में आएं तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये पेज मेन पेज है, आपने सिर्फ इसी को इंडेक्स करना है, बाकी इससे रिलेटेड कोई पेज इंडेक्स नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास टैग, आपको बता देता हूँ क्या टैग होगा, आप अपने सिंपल हेडर में यूज कर लेंगे कनोलियल टैग, इसका आप दिखा देता हूँ, यहाँ पे होगा कहीं पे कनोलियल या हम अगर draz.pk पे जाते हैं कनोकियल कहते हैं इसको, मेरे से एब्रिविएशन नहीं आ रहा इसका, कनोकियल है शायद, कनोलिकल हम इसको कंट्रोल यू करते हैं। ये देखें इसने लिंक का टैग यूज किया और इसमें कैनोनिकल यूज किया टैग, इसका मतलब ये हुआ कि यार मेरा सिर्फ ये पेज एक है, इसमें जितने लोग आके फिल्टर अप्लाई करें मुझे वो फिल्टर नहीं सबमिट करवाने गूगल रिजल्ट्स में, बाकी तुम जो मर्जी सबमिट कर लो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फिल्टर वाले पेजेस डायनेमिक पेजेस ना सबमिट हों तो आप इस टैग का यूज कर लें, सिंपल SEO गाइस। SEO is not difficult नहीं है, सिर्फ और सिर्फ absorb करना start में difficult लगता है, बाकी बाद में ये बच्चों का खेल है सिर्फ। SEO मैं हमेशा कहता हूँ SEO is a clerical work, SEO clerical work है। हमारी कंपनी में हम लोग सिर्फ एक हेड ऑफ SEO हायर करते हैं, बाकी उसके अंदर जितने लोग काम कर रहे होते हैं सारे मैनुअल वर्कर्स हायर करते हैं, और जो SEO हेड होता है वो बेसिकली सिर्फ एनालिटिक्स को देख रहा होता है। मैं कल या परसों आप लोगों के सामने कुछ प्रीमियम टूल्स के थ्रू आप लोगों को दिखाऊंगा कि प्रीमियम टूल्स के थ्रू आप किस तरह ट्रैकिंग कर रहे होते हो, किस तरह से अपने कीवर्ड की रैंकिंग चेक कर रहे होते हो, वो सारी चीज़ें।
तो आज हमने जो चीज़ें कवर की बेसिकली आपको बता दे, अगेन अगेन आप लोगों को मैं रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें हमने कवर की हैं, ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं की। टाइटल को हमने देखा, टाइटल आपका ऑप्टिमाइज क्या होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज क्या होनी चाहिए आपकी, उसके अलावा हेडिंग्स आपने एक प्राइमरी कीवर्ड आपने यूज़ करना है H1 हेडिंग में, उसके बाद H2 H3 आपने यूज़ करनी है, H7 तक H6 तक आप लोग यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करें। बोल्ड वर्ड्स आपने जिन वर्ड्स पे फोकस करना है उसको बोल्ड कर दें। इंटरनल लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए, वेब बना होना चाहिए पूरी पेज का, सॉरी पूरी वेबसाइट का। टेक्स्ट ऑन द पेज आपका फोकस कीवर्ड आपके पहले 150 वर्ड्स में आना चाहिए। उसके बाद मेटा रोबोट्स डिस्कस किया हमने, इंडेक्स और फॉलो। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि उस पूरे पेज को इंडेक्स करना है आपने, फॉलो का मतलब ये होता है उस पर जितने लिंक्स पड़े हुए हैं उनको विजिट करके उन पेजेस को भी आपने इंडेक्स करना है। तो इसकी चार टाइप्स थी, इंडेक्स फॉलो, नो इंडेक्स फॉलो, इंडेक्स नो फॉलो, नो इंडेक्स नो फॉलो। और उसके बाद जो हमने चीज़ डिस्कस की सबसे कि हम चाहते हैं कि यार हमारा कोई पेज स्पेसिफिक पेज सिर्फ वही इंडेक्स हो, उसके रिलेटेड जितने पेजेस हैं वो सारे के सारे सबमिट ना हो, तो हम कैनोनिकल टैग यूज करेंगे। इसकी लॉजिक समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन किसी का नहीं? क्वेश्चन कोई भी? आउटबाउंड लिंक्स, ऐसे लिंक्स जो कि आपकी वेबसाइट से यूजर को बाहर ले जाएं, उसको आउटबाउंड लिंक्स कहते हैं। इंटरनल देखें, इनबाउंड इनबाउंड लिंक्स कौन से होते हैं, आउटबाउंड लिंक्स कौन से होते हैं समझ लें। इनबाउंड लिंक्स वो होते हैं जो कि आप दूसरी वेबसाइट से यूजर को आपकी वेबसाइट पर लेके आ रहे होते हैं, और आउटबाउंड जो आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर लेके जा रहे होते हैं। और इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? आपकी वेबसाइट की इंटरनल पेजेस की लिंकिंग होती है। अब आप लोगों को मैं इस केसेस को ब्लॉग पे इंप्लीमेंट करना बता देता हूँ। ब्लॉग पे इंप्लीमेंट किस तरह से होते हैं वो चीज़ें, मैं आपको एक ब्लॉग विजिट करवाता हूँ, beyourownhead.com। ये ब्लॉग है बेसिकली, आपको मैं इंटरनल लिंकिंग का प्रोसेस दिखा देता हूँ, इंटरनल लिंकिंग मैंने की किस तरह हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक ये आर्टिकल है, बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर मेरे इसको आप स्क्रॉल करें बॉटम पे जाएं थोड़ा सा नीचे, ये देखें मैंने क्या ऐड किया हुआ है, यू मे लाइक इट, और यहां मैंने अपने और आर्टिकल जो मैंने लिखे हुए थे पहले उनके लिंक्स ऐड कर दिए हैं। इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग इस तरह से भी हो सकती है, और आप किसी एक वर्ड को आप सिलेक्ट करके यहां पे इसको लिंक लगा दें अपने ही आर्टिकल से, इसको भी इंटरनल लिंकिंग ही कहते हैं। मैं आप लोगों को फोकस क्यों करता था कि आप लोग साइड बार में अपने पुराने आर्टिकल्स ऐड करें, ओल्ड आर्टिकल्स, प्रीवियस आर्टिकल्स, आप साइड बार में अपने कमेंट्स ऐड करें, जो आपके लेटेस्ट कमेंट्स हैं वो ऐड करें, वो बेसिकली सारा इंटरनल लिंकिंग होती है। क्या आपका एक वेब बन जाता है, यूज़र को इंगेज करने का प्रोसेस बन जाता है, यूज़र आपके साइट पे आके इंगेज रहता है, एक आर्टिकल से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। कौन सी स्काई स्क्रैपर टेक्निक? इतना ऊपर ना जाए अभी, वो पे बाकी पूरी क्लास कंफ्यूज हो जाती है, कहती है पता नहीं कि हम कौन सी बातें कर रहे हैं। एक आम इंसान की लैंग्वेज में आप लोगों को ऐसी मैं समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ समझ आ जाए। तो और कोई कोई क्वेश्चन किसी का, कोई कंफ्यूजन या कुछ और डिस्कस करना हो?